नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानिंदा और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी कहिए, खबर कहिए या एक दुखद घटना कहिए, आप खुद ही इसको कोई भी नाम दें, खुद ही आप इसको परिभाषित करें। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ पहले आज दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पद से हटा दिया है क्योंकि उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किए थे। ज्ञानवापी विवाद के बीच कुतुब मीनार परिसर में एक मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने के दावे को लेकर के दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया है और 9 जून को अपना फैसला वो सुनाएगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने एक बड़ी हिमाकत करते हुए एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी है और आंध्र प्रदेश में तो आज पूरा दिन अफरा तफरी का माहौल रहा। अमलापुरम में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कोनसीमा जिले का नाम नहीं बदलने की मांग को लेकर के पुलिस के साथ झड़प की और परिवहन मंत्री पी विश्वरूप के घर को आग लगा दी। अब आती हुए असल बात पे, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज यानी कि 24 मई मंगलवार को सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने बयानों से एक दूसरे पे जम के वार किया और वार करने की वजह क्या थी, उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, ये अखिलेश का कहना था। यहाँ अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को यूपी में महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर के तंज कसा, तो वहीं सीएम योगी भी चूकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को उनके पिता मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान को याद करना चाहिए और उन्होंने एक उनका पुराना जो बयान है उसको हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ये नहीं कहा जाता कि लड़के होते हैं लड़के और गलती कर देते हैं। सीएम योगी ने पूर्व सीएम मुलायम सिंह के पुराने बयान को लेकर के ये बात कही। अब मैं आती हूँ आज की एक ऐसी खबर पर जो आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इसे अपराध कहेंगे, आप इसे गलती कहेंगे, घटना कहेंगे, खबर कहेंगे, क्या कहेंगे, ये आप डिसाइड कीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर के जो कहा सुनी हुई पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी उनके बीच में, और एक तरह से वो सीएम योगी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, तो इस वजह से उनको अखिलेश यादव के पिता का एक कहा हुआ वाक्य बार बार प्रयोग करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ये नहीं कहती है कि लड़के हैं गलती हो जाती है, लेकिन अब जो मैं आपसे शेयर करना जा रही हूँ कंटेंट, उसको आप क्या कहेंगे, आप उन बुजुर्ग को क्या कहेंगे जिन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिस्तर पे जान दे दी। दरअसल मुंबई के एक होटल में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जहां पर एक होटल में 61 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ रिलेशन बनाते समय अपनी जान गंवा दी। लड़की ने समझा कि ये बेहोश हो गए हैं और वो फौरन दौड़ी दौड़ी रिसेप्शन पे जाती है और बाद में जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है उनके हेल्थ की तो पता चलता है कि इज नो मोर। दरअसल जो बात सामने आती है वो ये है कि दोनों लोग जब रिलेशन बना रहे थे
और उन इंटीमेटी की मोमेंट में वो शख्स, वो बुज़ुर्ग, बुज़ुर्ग कहना चाहिए क्योंकि वो 61 वर्षीय हैं, तो वो काफ़ी एक्साइट हो गए, काफ़ी उत्तेजित हो गए और उसके बाद वो बेहोश हो गए और फिर उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल जैसा कि पुलिस अक्सर करती है, मामले की जांच कर रही है और 61 वर्षीय व्यक्ति और 40 वर्षीय महिला के साथ उपनगर, मुंबई के उपनगर कुर्ला के एक होटल में ये दोनों लोग 10 बजे पहुंचे थे। यानी कि जो लड़की है वो 40 साल की है और जो उनके साथ उनके पार्टनर हैं वो 61 साल के हैं। सुबह 10 बजे पहुंचते हैं, उन्होंने एक कमरा बुक कराया और महिला के साथ वो अंदर चले जाते हैं और बाद में उन्होंने जो रजिस्टर में लिखवाया वो ये लिखवाया कि वो उनकी प्रेमिका है। होटल वालों ने ही बाद में बताया कि कुछ देर में जब ये रुकते हैं होटल के अंदर तो वो जो प्रेमिका होती है वो बड़े उखड़े हुए मूड के साथ रिसेप्शन पे आती है और उनको बताती है कि जो उसका पार्टनर है वो बेहोश हो गया है और कोई जवाब नहीं दे रहा। और बाद में ये पता चलता है कि वो बुज़ुर्ग जो हैं वर्ली के रहने वाले हैं और बेहोशी की हालत में उनको पास के साइन के इलाके में उनको लेके जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया और महिला से भी पूछताछ की। तो महिला ने जो अंडरलाइन करने वाली बात कही वो ये थी कि वो शख्स जिस समय बहुत इंटीमेट था उस समय भी वो शराब पिए जा रहा था और किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, काफ़ी शराब पी उसने कमरे में जा करके और उसके बाद जो है जिस काम के लिए वो होटल में उन्होंने कमरा बुक कराया था उस काम को उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब पुलिस जांच ये कर रही है कि चूंकि दोनों की उम्र में 20 साल का फर्क था, वो जो बुज़ुर्ग है 61 साल का है, तो क्या उसने अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए कोई दवाई तो नहीं ली है, इस एंगल से भी पुलिस बात कर रही है। तो आज यूपी में अपराध को लेकर के घमासान चलता रहा, लेकिन अब आप इन बुजुर्गवार को क्या कहेंगे? मैं पर्टिकुलरली इनकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं। लोग अपने से कम उम्र की पार्टनर को लेके जाते हैं और उनके नतीजे इस तरीके से सामने आते हैं। आपकी क्या राय है मेरे कंटेंट पे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम अपराध की बात तो करते हैं, जैसा कि आज अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा, लेकिन इस तरीके के जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े अपराध के आसपास होती हैं। जैसा इस घटना में उन 61 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई है और आने वाले टाइम में ये जो मैटर है किस करवट दिखाई देता है कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो भी अपराध होते हैं उनके पीछे कुछ ऐसी ही वजहें होती हैं। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ, किसी और स्टोरी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।